हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टडी और चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट पीवीटी एलटीडी से कुछ वैकेंसी आई है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन के जो मांग की गई है वो है आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक। जॉब लोकेशन की बात कर ले तो इसमें आपका बिहार रहने वाला है, और एज लिमिट की बात कर ले तो इसमें 18 से 38 साल तक रहने वाली है। सैलरी जो है इसमें आपको 14,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है, और ये जो कंपनी है वो है एवरेस्ट की, जो कि डेयरी का है। ठीक है, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री का है वो डेयरी एवरेस्ट है। इसमें जो है अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर इन बिहार में मांगा गया है। डिजिग्नेशन जो है आप लोगों को सर्विस इंजीनियर रहने वाली है, और डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस डीओ रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें है आईटीआई फिटर टर्नर मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल। इसमें जो है आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जब भी कैंडिडेट नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आईटीआई कैंपस रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो हैं आप लोग को इस पे हमेशा वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लो तो इसमें 40 को पोस्ट दिया हुआ। जॉब लोकेशन जो है वो बिहार रहने वाला है। जेंडर की बात कर लो तो इसमें ओनली कैंडिडेट मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट की बात कर लो तो 18 से लेकर के 38 साल तक होने वाली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 8,000 से लेकर के 14,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। स्टार्टिंग पीरियड में जो है आप लोग को 8,000 रुपये मिलने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस है वो डेयरी इंडस्ट्री एडेड एडवांटेज होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो है एज लिमिट की बात करें तो 18 से 38 साल तक है ही, और इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो आप लोग को मांगी गई है वो 10th मार्कशीट ओरिजिनल या फोटोकॉपी आप लोग को मांगी गई है। दूसरे नंबर पे है जो आईटी या डिप्लोमा इंजीनियरिंग किसी में से भी है तो इसका जीरोक्स कॉपी आप लोग को लगने वाला है। बैंक पासबुक का आपको जीरोक्स लगने वाला है। पैन कार्ड या आधार कार्ड में 3 कॉपी आप लोग को लगने वाला है। 3 को पासपोर्ट साइज फ़ोटो कॉपी लगने वाला है, और इसमें जो है आप अपना ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम सेंड कर दें। जितना जल्दी हो सके इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम सेंड कर दें, और किसी भी क्वारी को आप लोग को दिक्कत हो इस नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिए। ठीक है, फ़ोन करने के बाद आप अपना जो भी प्रॉब्लम है इस पर शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने लेके धन्यवाद। डियर स्टडी चैनल में तो हमारे साथ बने रहिए, और जो भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।